हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज में। मैं जिशान मजहर और आज हम बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी और कौन सी नहीं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे इस चैनल पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें से लोग कुछ लोग जो है जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जिनका अभी लॉ चल रहा है। और इस बार कोरोना के चलते बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एग्जाम पैटर्न्स में थोड़ी बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बजाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में, जिससे स्टूडेंट्स को अच्छी खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं। और कई लोगों ने मुझसे बोला कि इस चीज़ को दूर करने के लिए एक वीडियो बनाई जाए, तो हाजिर है आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आप सेमेस्टर एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट्स, आपको जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है, तो फिर उसके लिए आपको अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। तो जैसे कि आपके सामने ये चार बुक रखी हुई है फिलहाल, और भी काफी बुक आती है, लेकिन मेन जो मार्केट में आपको बुक देखने को मिलेंगी वो आजकल यही मिलेंगी, ये चारों बुक। तो पहली बुक हमारे सामने जो रखी है ये यूनिवर्सल की गाइड टू जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन है। हालांकि इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी काफी सारे मिल जाएंगे, मतलब आप करते करते थक जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैंने जहां तक इस बुक को पढ़ा है तो मुझे बुक ठीक लगी, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है, ना मुझे उतनी कुछ ज्यादा खास नहीं लगी है। हालांकि इसमें आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा जो आपके कवर हो रहे हैं, जैसे कि आपके प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट है, लोक अदालत है, मोटर व्हीकल एक्ट है, और साइबर क्राइम्स है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। और इसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हैं, मतलब आप सीआरपीसी सीपीसी जो आपके मेन प्रोसीजरल लॉज हैं, और बाकी जो सब्सटेंटिव लॉ हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, फैमिली लॉ, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल भी है। तो जो बच्चे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या जो जुडिशियल एस्पिरेंट हैं वो ये बुक रख सकते हैं। हालांकि मैं उतना कुछ खास रिकमेंड नहीं करूंगा इस बुक के लिए, फिर भी ये बुक ठीक है आप पढ़ना चाहें तो। दूसरी बुक हमारे सामने है एम ए राशिद। ये बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे वैसे, क्योंकि ये बुक जो है सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही रहेगी। जैसे कि अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट, आप प्री की तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट की, या आप LLM की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हो, या तो फिर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, आप उसके लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस बुक में बहुत ही वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस है हर सब्जेक्ट को लेके। जितने सब्जेक्ट आपके मेनली रहते हैं लॉ में कॉलेज टाइम पे, वो सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाते हैं, और क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 1300-1400 क्वेश्चन है, सीपीसी सीआरपीसी के भी इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप ये बुक पढ़ ले जाते हैं अपने कॉलेज के लिए, अगर कॉलेज एग्जाम के लिए अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप 70-80% आप क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे आपके। और ये बुक एक ऐसी है कि अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये बुक मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके हर तरह पे काम आएगी, आपको कॉलेज के साथ काम आएगी, कॉलेज के बाद अगर आप LLM के लिए जा रहे हैं, आप क्लैट के लिए जा रहे हैं, आप नेट JRF या फिर आप जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका हर चीज में ये प्रैक्टिस पेपर, एज अ प्रैक्टिस पेपर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हर टॉपिक पे वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं जुडिशियल एस्पिरेंट्स के बारे में, कि जो जो जुडिशियल डिपेंड करता है कि अगर आप किस स्टेट से भी हैं, आप जिस स्टेट से हैं तो आपको बुक बहुत ही सिलेक्टिव बुक लेनी पड़ेगी उसके लिए आप, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं और वो जो बुक्स होती हैं वो अलग अलग स्टेट के एग्जाम पे बेस्ड होती हैं। जैसे कि यूपी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यूपी में ऐसा माना जाता है कि अगर आप यूपी के प्री के लिए अपीयर हो रहे हैं और आपके पास ओपी त्रिपाठी नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं कमी है आप में, मतलब ये कहा जाता है बेसिकली यूपी में कि अगर आप यूपी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ओपी त्रिपाठी होनी मस्ट है। और क्या है इस बुक में, मैं आपको बता देता हूं कि इस बुक में जो है यूपी, बिहार, उत्तराखंड, एमपी और भी काफी सारे स्टेट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मेनली मैं फोकस करके बता रहा हूं यूपी, बिहार, उत्तराखंड और एमपी, इन चार स्टेट्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो पीसीएस जे के हों, चाहे वो एचजेएस के हों, चाहे वो एपीओ के हों,
वो सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, आपके पिछले 20 साल 25 साल तक के दिए हुए हैं। तो अगर आप यूपी के हैं और उत्तराखंड के हैं तो आप मेरे हिसाब से आपको ये बुक जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे बुक है। और अगर आप ये पूरी बुक पढ़ के जाते हैं तो यकीन मानिए आप 60-70% क्वेश्चन ऐसे ही कर ले जाएंगे, लेकिन आपको फिर पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। हालांकि इस बुक में कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, स्टडी मटेरियल के लिए आपको एके जैन या आपको अपनी टेक्स्ट बुक और बेयर एक्ट पूरी तरह से पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये बुक अपने में काफी है। लास्ट बुक है हमारे पास परीक्षा मंथन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस। इस बुक में जो है सेम एज ओपी त्रिपाठी है, लेकिन इसमें दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। इसका जो है आप दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब का, हिमाचल का, हर स्टेट के क्वेश्चंस हैं इसमें। प्लस इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बिहार में आईपीसी नहीं आती और यूपी में जो है इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है, जुरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है, तो इस बुक में आपको आईपीसी के साथ साथ इंटरनेशनल लॉ, जुरिस्प्रूडेंस और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं हर स्टेट में लगभग कॉमन होते हैं, बस यही कुछ 4-5 सब्जेक्ट हैं जो किसी स्टेट में पूछे जाते हैं, किसी में नहीं पूछे जाते। तो आप ये बुक भी रख सकते हैं, ये बुक बहुत यूजफुल रह सकती है आपके लिए। और इसमें भी यही है कि इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पीसीएस जे के, एचजेएस के, एपीओ के, सभी स्टेट्स के हैं, यूपी हो, एमपी हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, जितने भी हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है, राजस्थान, सभी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं इसमें जुडिशरी के। और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये बुक आपके, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, हर सब्जेक्ट में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप से हैं। और अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना चाहते हो तो ये बुक आपको बहुत ही काफ़ी काम आ सकती है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में हम आपको और बताएंगे अगर अच्छी बुक कोई निकली रही तो। तब तक के लिए नमस्कार।